तो गाइस बच्चों को मिला है एक ये खिलौना, मेले से लेके आए थे। गोती की का है? गोती की मिल गई, गोती तेरी का है? ये ले लो। अरे वाह, चलो इसमें लाइट भी ऑन होती है, देखो ये लो। हाँ अब चला लो, ये यहाँ से पकड़ो सही से, चलो। ओ गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग और क्या हो रहा है? तो गाइज ये मेरी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, शायद 12 या 1 बज रखे हैं, काफ़ी धूप हो रखी है। मैं सो गया था यार दोबारा, कल बहुत ज़्यादा थक गया था। सुबह उठ के जल्दी से एडिटिंग करी और वो अब थोड़ी देर पहले ही एडिट करके हटाऊँ मैं, और वो अब थोड़ी देर बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आपने देखा होगा, आप बताइए कैसा लगा। काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे बाबा के दर्शन बड़े अच्छे हुए हमें और काफ़ी मज़ा आया। कई सालों बाद गया था मैं, शायद 10 या 11 साल बाद गया था, पर काफ़ी मज़ा आया। शाम के बज रखे हैं 5:30, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मम्मी ने कोई काम बता दिया, पहले वो करना है मुझे। क्या कर रहे हो? कहाँ पे जा? अम्मा के साथ जा तू, देख अम्मा जा रही है आरजे। जाओ आप, बच्चों की हिफाजत कर रहा है बनी। बस बस, मैंने मजाक किया था यार, मैं कोई बात थोड़ी कर रहा हूँ। तेरी अम्मा नहीं है वो। तो गाइस अब है ना, इसके अंदर से अंगूर का पेड़ है ना फूटा है, अंगूर की बेल में से, काफ़ी दिनों बाद, शायद 1.5 या 2 साल बाद इस बार ही आया अंगूर का पेड़। पिछले साल तो दिखाई नहीं दिए पत्ते अंगूर के मुझे, इस बार ही तो आया है, देखिए आप। तो अच्छी खबर है, अगर ये टाइम से पनप गया तो अंगूर दिखाएंगे इस बार ही आपको। चीकू बड़े तो हो गए इन दिनों में, अभी अब देखते हैं इनको, ये पकेंगे तो है नहीं अभी, बाकी बड़े तो हो गए हैं। कहाँ पे ये खा तो यार बड़ा, यहाँ पे कहाँ गायब हो गया। और इतने सारे यहाँ पे लग रखे हैं अनार, अगर ये जड़ेंगे नहीं तो खूब सारे अनार हो जाएंगे। हाँ ये देखिए गाइस, सुंदर हो गए ना घर सारे, अच्छे कलर हो गए, अपने भी कलर करवा देंगे। नहीं तो देखो कितना गंदा हो गया ना इस घर की वजह से, अपना घर। ये देख जा जा जा, ओ तो आ जा की इस साइड आ जा, इस साइड आ जा, वो आ रही है इस साइड, जल्दी आ जा अंदर आ जाओ। तो गाय खा गई हमारे पेड़ों को यहाँ पे। तो गाइस कल बच्चों के लिए लेके आया था ये और ये, इसे तो ये होली पे ही देंगे बच्चों को। अब ये भी वहाँ पे इसका डैम कुछ और दिखाया मेले में, और ये था कुछ और। हद है यार लोगों को 10-20 रुपए में, पता नहीं उनको क्यों झूठ बोलना पड़ जाता है। अब ये देखिए कितनी मजबूत दिख रही थी, बस लगाई थी ऐसे हो गई। हद है यार, एक तो बनाने वाला भी हद है, सुभान अल्लाह, जिसने ये बनाया, मतलब इतना कमजोर कैसे बना सकता है कोई किसी चीज़ को, और इतना टाइम वेस्ट किया होगा बनाने में भी तो भी, और एक बेचने वाले को सुभान अल्लाह। भाई साहब क्यों ऐसे माल बेचते हो? मैं तो बच्चों के चक्कर में ले आया था, अब इसको वापस जोड़ता हूँ यार, एक बार तो जोड़ दिया था इसको मैंने। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस फेविक्विक एंड दैट, वो क्या कहते हैं उसे, ग्लू गन, मैंने इसको जोड़ा तो है, देखते हैं कारगर रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ यार घर में दूसरे काम तो होते नहीं है, ये नए काम और मिल जाते हैं। बोल बेटा इससे नहीं निकलती, कहाँ पे है हार्दिक? इसकी बॉल निकाल दे, ये बेचारा नीचे देख रहा है इसके अंदर। तू दूर हट जा, भैया निकाल देगा, निकाल दे बेटा। हार्दिक एक बार बेटा वो पाइप ला दे, इसको धो लेते हैं, देख कितनी गंदी हो रखी है। चलो आज सैटरडे यार, कहीं जाना भी है मुझे, चले भाग गया। पूरी मिट्टी हो रखी है यार, चलो भैया को करने दे, कर ले शाबाश, दो दे। तो अब घी की दौर है, ले मैं आऊँ तो रगड़ जल्दी जल्दी, बस शाबाश। अरे वाह चलो शाबाश। तो गाइस अब चीकू खा लेते हैं आज, अच्छे लग रहे ये, तू भी खाएगा? पहले धो लेते हैं इसको।
वैसे गाइस कहीं सुना है कि चीकू धोके नहीं खाते, पर यार मन मानता नहीं है, धोना जरूरी है। ले ले तो ले अच्छा सही होगी पूरी। कल लेट हो गए। अच्छा कोई ना यार, तकलीफ पा रहे थे। चल तो भी आवाज भी नहीं आ रही है। वो फैन बेल्ट है, जगह जगह कट लग रही है। ये चालू है? वो तो मैंने चलाई थी। अच्छा तो गुस्से में क्यों फैन बेल्ट है ना, कट 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 उसकी आवाज आ रही थी। हाँ इसने स्पीड नहीं पकड़ी? नहीं नहीं स्पीड है। अच्छा ठीक। तो गाइस एक ये भी खराब हो रखा था, इसको भी ठीक कर देगा रतन अभी के अभी। बढ़िया बोले रतन, बहुत टाइम से आ रहा है हमारे। हाँ रतन को मैं बताया था कि 12-13 साल हो गए रतन को हमारे पास, यही काम करके जाता है सारे। इससे भी मैंने खूब चीजें सीखी है। तो गाइस हार्दिक तैयार हो गया, अभी लेके आए थे आप लोगों के सामने ये जूते इसके, तो ये कह रहा पापा मुझे पहनने दो नहीं तो ये छोटे हो जाएंगे। जींस भी अभी वाली ली, पहन ली इसने। कोई नहीं पहन ले, नहीं पहन लेगा आग बहुत बड़े हैं तो आगे पैर कर और पीछे से पहन है ना। वैसे अच्छा फील दे रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो यार तू हार्दिक ऐसे तैयार हो रहा है, मैं तो नॉर्मल कुर्ते पजामे में चलूंगा। अरे स्वैग है। तो गाइस आज पिंका के घर पे चलते हैं, उन्होंने बुलाया हुआ है, तो मैं हार्दिक और नवनीत वहाँ पे जाके आते हैं। आज डिनर वहीं पे हमारा, हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं नवनीत और हार्दिक अब जा रहे हैं पिंका के घर पे। चलिए चलते हैं। घर से थोड़ी सी दूरी है पिंका का घर, वो आप लोगों ने वो मॉल देखा होगा ना जिसमें हम शॉपिंग करते हैं ज्यादातर, ये नया वाला नहीं पुराने वाला, उसी के पीछे की साइड। तो पापा देखो डोमिनोज वर्सेस डोमिनोज। अच्छा यहाँ पे डोमिनोज है गाइस। हाँ। और इस साइड डोमिनोज है और बीच में वर्सेस। हाँ। लग गया वो वर्सेस लग गया कहाँ? हाँ, वो देखो वो बीच में। अच्छा। दिखाई नहीं दे रहा गैप वो। आप किसको चुनोगे भाई? मैंने कभी रोमिनोज का खा के नहीं देखा, पर बताते हैं कि अच्छा स्वाद बनाते हैं वो भी, बाकी डोमिनोज का तो बहुत स्वाद बनता ही है ऑलरेडी। बाकी इन दोनों का बाप बीच में बैठा है ब्रेड दरबार। हाँ। ये बनाता है अच्छी क्वालिटी का सबसे स्वाद। हेलो 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 बेटा, क्यों रोशनी कम क्यों है यहाँ पे? हेलो हेलो तलो तलो तलो। तो गाइस ये है पिंका का घर प्यारा सा, ये इनकी कॉलोनी है प्यारी सी। चलो ये है प्यारा सा घर पिंका का। अरे वाह कैनवास लगा रखा तुमने, चॉकलेट। हाँ दंडवत दोक चाहिए। ये लो जी जय। ये गुस्से में हो रखा है ये। अरे वाह भाई वाह, क्या 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 खेल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा ये यशु का है प्लेग्राउंड छोटा सा। अरे वाह यशु, आपका प्लेग्राउंड तो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो गाइस थोड़ी देर पहले ना इसके अंदर था ये, और मैंने जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ये इसमें से गायब हो गया। तो गाइस बस अभी अभी फ्री हुए हैं यहाँ से और निकलते हैं वापस घर पे। अब घर जाऊंगा एडिटिंग करूंगा और आप सुबह इस चीज को देख पाओगे हमारे इस व्लॉग को। सॉरी। तो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग। टेक केयर। बाय।